Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about IoT Network Layer Protocol. So let's begin. So IoT Network Layer Protocol क्या होती है? यहाँ पे the network layer is divided into two sub layer. Network layer divide होती है दो sub layer में. ठीक है, routing layer which handles the transfer of packets. Routing layer क्या करती है? Route provide करती है और handle करती है जो data है source से लेके destination तक के, route provide करती है और data को transmit करती है. अब data को transmit किस form में करती है? Packets के form में data को transmit करती है. And encapsulation layer that form the packets. और encapsulation layer जो होती है वो form करती है packets को. इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को बाइंड कर देना, डेटा को बाइंड कर देना पैकेट्स में, डेटा को बाइंड कर देना पैकेट्स में, ये किसका काम होता है? इनकैप्सुलेशन लेयर का. ठीक है, तो यहाँ नेटवर्क लेयर डिवाइड होती है दो सब लेयर में, एक रूटिंग लेयर और एक होती है इनकैप्सुलेशन लेयर. इनकैप्सुलेशन लेयर क्या करती है? फॉर्म करती है पैकेट्स को, बाइंड कर देती है मतलब डेटा को बाइंड कर देती है पैकेट्स में. रूटिंग लेयर क्या करती है? विच हैंडल्स द ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स, जो इनकैप्सुलेशन लेयर द्वारा फॉर्म हुए हैं पैकेट्स को उसको रूट प्रोवाइड करती है और सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को ट्रांसमिट करती है. यहाँ पे इसकी हम प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं. तो आईओटी में कौन कौन सी नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल्स यूज हुई हैं, क्या हैं और हमारे ओ लेवल के सब्जेक्ट में कौन सी प्रोटोकॉल्स है, वो सारी आज हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहली प्रोटोकॉल है आरपीएल प्रोटोकॉल. RPL protocol, which is a stand for routing protocol and low power and lossy network. इसका full form पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार के पेपर में आ जाए. तो यहाँ पे ये क्या, एक routing protocol है for low power, routing protocol for low power and lossy network. It is the distance vector protocol. अब ये क्या है? Distance vector protocol है that supports a variety of data link protocol. जो कि सपोर्ट करती है वैरायटी ऑफ डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स को. ठीक है, ये हमारी कौन सी है? डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है और जो कि लो पावर और लॉसी नेटवर्क को यूज करती है. आरपीएल बिल्ट अ डेस्टिनेशन ओरिएंटेड, आरपीएल बिल्ट है डेस्टिनेशन ओरिएंटेड मतलब डैग पे. ठीक है, डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डायरेक्टेड अ साइक्लिक ग्राफ. ये देखिए आईपीएल जो है वो बिल्ड है डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डायरेक्टेड आ साइक्लिक ग्राफ. अब डायरेक्टेड आ साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? डायरेक्टेड आ साइक्लिक ग्राफ जो है जिसके पास एक रूट होती है और उसके अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं. ठीक है, जैसे ये हमारी क्या कहलाएगी? रूट है और इसमें कई सारे नोड्स लगे हुए हैं, नोड इस तरह से कई सारे जुड़े हुए. तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड ओरिएंटेड डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डैग, जिसके पास केवल वन रूट है जो कि फॉर्म करते हैं सारे लीफ नोड को. अब लीफ नोड क्या है? देखिए एक रूट है, इसने फॉर्म किया एक लीफ नोड को. ठीक है, ये लीफ नोड को फॉर्म किया, इधर ये लीफ नोड को फॉर्म किया. तो रूट नोड क्या फॉर्म कर रही है? लीफ नोड फॉर्म कर रही है. अब ये जो दो लीफ नोड है लास्ट में आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का रूट नोड क्या कहलाएगा? ये वाला. इसका रूट नोड क्या कहलाएगा? ऊपर वाला. तो जस्ट ऊपर वाला इसका रूट नोड है और रूट नोड क्या फॉर्म करते हैं? लीफ नोड को फॉर्म करते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डैग. और सारा का सारा ट्रैफिक रूट किया जाता है इसके अंदर, है ना? सारा का सारा ट्रैफिक जो होता है ना, रूट किया जाता है इसके अंदर. और मान लीजिए कोई नया नोड आया, ठीक है, मान लीजिए कोई नया नोड आता है तो क्या होता है? वो भी चाहता है कि इसको हम ज्वाइन करें, वांट टू ज्वाइन द नेटवर्क. तो नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहता है तो इट्स सेंड डेटा डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डैग इंफॉर्मेशन सॉलिसिटेशन. अब ये क्या सेंड करेगा? देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये क्या सेंड करेगा? ये सेंड करेगा डीओ डैग इंफॉर्मेशन सॉलिसिटेशन, डीआईसी जिसको बोलते. ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेगा कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस रूट नोड. ठीक है, फिर रूट नोड उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा बैक विद अ डैग एक्नॉलेजमेंट. रूट नोड उस पर कैसे रिस्पॉन्स करेगा? उसको एक्नॉलेजमेंट भेज के कंफर्म करेगा कि हाँ भाई आप ज्वाइन कर सकते हो. तो कुछ इस तरह से ये आरपीएल प्रोटोकॉल यूज होती है.
और यहाँ पे जो आरपीएल प्रोटोकॉल है वो IPv6 वर्जन यूज करती है, वो IPv6 वर्जन का यूज करती है। और IPv6 वर्जन 128 बिट का होता है और ये हेक्साडेसिमल को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है CORPL प्रोटोकॉल। CORPL प्रोटोकॉल इज द एक्सटेंशन ऑफ आरपीएल प्रोटोकॉल। तो क्या है ये? एक्सटेंशन है आरपीएल प्रोटोकॉल का, तो आरपीएल प्रोटोकॉल के ही जैसी है लेकिन इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो देख लेते हैं क्या। देखिए आरपीएल का भी हम लोग ने फुल फॉर्म पढ़ा था, क्या था? रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क। रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क। अब इसमें जो सी है, सीओ है, इसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव आरपीएल। कॉग्निटिव मींस जानते हो क्या होता है? तो कॉग्निटिव टर्म इसमें बस जुड़ गई है। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जैसे रीजनिंग करना, रिमेम्बरिंग करना, थिंकिंग करना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर और जुड़ गई है। आरपीएल जो रूट है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पे यूज हुआ है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है जिसको कॉग्निटिव बोला गया है, ठीक है। दिस नेटवर्क प्रोटोकॉल इज डिजाइन फॉर कॉग्निटिव नेटवर्क एंड यूज्ड DODAG टोपोलॉजी। तो ये भी डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डैग टोपोलॉजी को यूज करती है। फॉर्प प्रोटोकॉल मेक टू न्यू मॉडिफिकेशन इन द आरपीएल। अब देखिए इसके अंदर इसने दो नए मॉडिफिकेशन यूज किए हैं। आप कौन कौन से हैं तो देखिए आप, तो इसके अंदर दो प्रोटोकॉल जो यूज हुई हैं, वो पहली है इट यूजेस अपॉर्चुनिस्टिक फॉरवर्डिंग टू फॉरवर्ड अ पैकेट बिटवीन द नोड्स। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक क्या है? तो ये अपॉर्चुनिस्टिक फॉरवर्डिंग जो है यूज टू फाइंड डायनेमिक पाथ इन द नेटवर्क। अगर हमें डायनेमिक पाथ नेटवर्क में फाइंड करनी है तो हम CORPL प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक फॉरवर्डिंग का यूज करेंगे टू फॉरवर्ड अ पैकेज बिटवीन द नोड्स, ठीक है। ईच नोड्स और CORPL पैकेट्स प्रोटोकॉल्स कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्डिंग सेट रेदर देन द पेरेंट्स ओनली मेंटेनिंग इट। और जितने भी जो नोड्स हैं CORPL प्रोटोकॉल के जो इंफॉर्मेशन रख रहे हैं उनको कौन मैनेज करेगा? केवल पेरेंट। उनको कौन मैनेज करेगा? कुल मिला के कौन मैनेज करेगा? रूट मैनेज करेगी, ठीक है। तो ये जो लीफ नोड है, ये जो लीफ नोड है, इनका जो पेरेंट है ये इनकी सारी चीजों को मैनेज करेगा, ठीक है। ईच नोड अपडेट इट्स चेंज टू नेबर यूजिंग DIO मैसेज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपडेट मैसेज ईच नोड फ्रीक्वेंटली अपडेट इट नेबर फॉर कॉन्स्टेंट फॉरवर्डर्ड सेट। तो ये प्रोटोकॉल डिजाइन है कॉग्निटिव नेटवर्क पर, जो यहाँ पर DODAG का यूज किया जाता है। कॉग्निटिव मेक टू न्यू मॉडिफिकेशन इन द आरपीएल। इट यूजेस अपॉर्चुनिस्टिक फॉरवर्डिंग टू फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन द नोड्स एंड अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स यूज टू फाइंड डायनेमिक पाथ इन द नेटवर्क। अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स यूज टू फाइंड डायनेमिक पाथ इन द नेटवर्क। ईच नोड ऑफ CORPL प्रोटोकॉल कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्डिंग सेट ओनली रूट नोड मेंटेनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपडेटेड मैसेज ईच नोड फ्रीक्वेंटली अपडेट इट नेबर फॉर कॉन्स्टेंट फॉरवर्ड सेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बस इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये कॉग्निटिव आरपीएल पे बेस्ड है, जहाँ पे हम अपॉर्चुनिस्टिक फॉरवर्डिंग का यूज करते हैं जो कि डायनेमिकली नोड को मुझे क्या पाथ प्रोवाइड करती है, डायनेमिक पाथ प्रोवाइड करती है नोड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 6LoWPAN। तो द 6LoWPAN प्रोटोकॉल रिफर्स टू IPv6 लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आएगा ये फुल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इट यूजेस अ लाइट वेट आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन टू ट्रेवल ओवर अ लो डेटा रेट नेटवर्क। अब ये क्या यूज करता है? लाइट वेट। तो लाइट वेट क्या है? देखिए लाइट वेट एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे स्मॉल मेमोरी होती है, रैम होता है, लो सीपीयू यूसेज भी है, ऑल ओवर लो यूसेज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब सारी के सारे जो लो यूसेज है, जो कम बैटरी खाते हैं,
वो डिवाइसेस हैं हमारे। तो 6 लो पैन भी वही डिवाइस है जो कि लाइट वेट है। क्या है? जो कि लाइट वेट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी एक क्वेश्चन आया था ओ लेवल में, MQTT क्या है? तो MQTT लाइट वेट प्रोटोकॉल है, और 6 लो पैन भी हमारा क्या है? लाइट वेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। इट वॉज लिमिटेड प्रोसेसिंग अवेलेबिलिटी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वायरलेसली। इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। यूजिंग अ इंटरनेट प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। सो इट इज मेनली यूज फॉर होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन। तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है? होम और बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। द 6 लो डब्ल्यू पैन प्रोटोकॉल ऑपरेट्स ओनली विद इन द 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी रेंज एंड 250 KBPS ट्रांसफर रेट। इट हैज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 128 बिट हेडर पैकेट्स। तो 128 बिट हेडर पैकेट्स क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है, IPv6 बेस्ड प्रोटोकॉल है। सो द रीजन इज, इसीलिए इसमें 128 बिट हेडर यूज किया जा रहा है। जब भी पैकेट्स को हम भेजेंगे तो 128 बिट हेडर भी उसमें जोड़ के भेजें, ठीक है, जब भी डेटा को हम ट्रांसमिट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ 6 लो पैन प्रोटोकॉल्स में स्टैंडर्ड्स RFC 6282 यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? ओवर अ वैरायटी ऑफ अदर नेटवर्क मीडिया इंक्लूडिंग ब्लूटूथ स्मार्ट एंड जिगबी लो पावर RF सब 1 GHz तक के इसकी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। 1 GHz तक इसकी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। रेंज क्या है हमारी? अप्रोक्सीमेटली 200 मैक्सिमम इसकी रेंज है। डेटा रेट जो है वो 200 KBPS है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 100 यूज कर सकते हो। थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम MQTT प्रोटोकॉल क्या होते हैं और सेशन लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए इस प्लेलिस्ट से, काफी यूजफुल आप लोग के लिए होने वाली है। अभी एग्जाम ओ लेवल का आ गया है तो तैयारी करिए, और सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा और सभी लोग एस लाइएगा। सो ऑल द बेस्ट।